तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अपकमिंग आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जामिनेशन 2022 के लिए हमारा कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। आप सभी को पता है आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जिसके तहत हमें ये एग्जामिनेशन अगस्त के महीने में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी से बचे हुए जून के दिन और जुलाई को इंक्लूड करके हमारे पास लगभग 50 डेज है इस एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने के लिए। तो इन 50 दिन में क्या होना चाहिए, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपका स्टडी प्लान परफेक्ट, और क्या होना चाहिए आपका डेली रूटीन, जिससे कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को बढ़िया रेट से तैयार कर सकेंगे। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, तो यही इस सेशन में हम फोकस लेके रखेंगे आपको लिए, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को जबरदस्त तरीके से क्लियर कर सको। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उस एग्जामिनेशन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस एग्जामिनेशन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहता है, क्या आरआरबी पीओ और क्लर्क में कोई अंतर रहता है, अगर हाँ तो वो अंतर क्या है, क्या ये एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई अंतर रखता है, तो नहीं, इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई अंतर नहीं, तो अंतर जो है वो किस रकम का हो सकता है, क्या हो सकता है, बाकी अलग एग्जामिनेशन में इसका कुछ रोल अलग है, जैसे कि इसके कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, जैसे कि इसका कंपोजिट टाइम दिया जाता है 45 मिनट्स का टोटल 80 क्वेश्चंस अटेंड करने के लिए, क्या ये हमारे लिए एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है। इसमें इंग्लिश को एक्सक्लूड किया जाता है जबकि बाकी सारे बैंक एग्जामिनेशन में इंग्लिश को रखा जाता है, क्या ये इंग्लिश को हटाने हमारे लिए कोई एडवांटेज है या ये भी डिसएडवांटेज है, तो इसके बारे में हम बारीकी से बात करेंगे। साथ ही साथ एग्जामिनेशन को प्रॉपरली जानने के लिए आपको भैया प्रीवियस ईयर के पेपर्स के थ्रू जाना है, आपके पास इतना समय नहीं है तो ये टेका हमने उठा रखा, लास्ट 3 साल यानी कि 19, 20 और 21 के कौन से एरिया से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, हर एक चीज में बारीकी से एक एक करके डिस्कस करूंगा, जिससे कि हमें पता चले कि इस एग्जामिनेशन में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिनको हम फोकस पे रखें और कुछ ऐसे टॉपिक्स क्या जिनको हम स्किप कर पाएंगे। साथ ही साथ उन्हीं इंपॉर्टेंट और स्किपेबल टॉपिक से हम अपना डेली रूटीन यानी कि स्टडी प्लान सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट देके कैसे मॉक टेस्ट को प्रॉपर तरीके से दिया जा सकता है और मॉक्स में मार्क्स कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, मॉक्स में अपने परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस किया जा सकता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक एक्स्ट्रा चीज जो मैं आपको देने वाला हूं वो है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ एनालिसिस। हालांकि पुराने साल के कट ऑफ इस साल के कट ऑफ में कोई रोल प्ले नहीं करते, बट आपको एक आइडिया लगना चाहिए इस पेपर में हमें कहां तक पहुंचना है, किस एक्सटेंट तक हमें मेहनत करना है, तो ये जानने के लिए मैंने आपके सेफ अटेम्प्ट्स को थोड़ा बूस्टअप करने के लिए इस प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी इंक्लूड किया, मतलब ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, इसके बाहर आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं होगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटा सा अपडेट आपके लिए, आपको ये पता होना चाहिए मंडे वेंसडे और फ्राइडे शाम को 4 बजे अनएकेडमी स्पेशल यानी कि फ्री क्लास पे हम स्पीड मैथ के सेट लगा रहे हैं, जहां पे 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 30 मिनट में। तो वहां पे पोल दिया जाता है, टाइमर दिया जाता है, ढेरों बच्चे वहां पे आके लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो आप क्यों पीछे छूटे, आप भी इस सेशन में जरूर से जुड़िएगा। आज वेंसडे है, आज का लिंक क्लास का मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लगा दिया है, उसको अभी जाके एनरोल कर लीजिए। फ्री एनरोलमेंट कोड आपके लिए रहेगा सीडी लाइव, इस कोड को लगाते आप फ्रीली इस क्लास को 4 बजे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार आके देखिए, मजा ना आ जाए। दूसरी चीज, आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए एक हमने मिनी मॉक टेस्ट सीरीज चला रखा है, जिसके 4 लेक्चर्स हमने करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे 9 बजे रात ले रखा है। आज 9 बजे इसका और एक लेक्चर है, आइएगा और आपको पता चल जाएगा कि अंतर क्या है। आप पहले 4 लेक्चर में से कोई भी लेक्चर रैंडमली आप पिक कर लो और उसके 5 सवाल पहले का जवाब दो और मैच करो, कितने सवाल आपके सही है, कितने जवाब आपके गलत है, और सारे बेसिक सवाल है, और आपको पता चल जाएगा कि इन सेशंस में आपको क्या एडवांटेज देखने के लिए मिलता है। तो 2 सेशंस आपके फ्री मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 बजे स्पेशल पे, और मंडे से लेकर फ्राइडे तक रात के 9 बजे करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे इन क्लास को जरूर से देखिएगा, काफी आपको डेवलपमेंट दिखेगा। सबसे पहले जब मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करता हूं, तो इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात करें तो इससे इजीएस्ट एग्जामिनेशन और कुछ भी नहीं हो सकता। मार्केट में जितने बैंक एग्जामिनेशन आपके चलते हैं एक साल में, सबसे इजीएस्ट पेपर आरआरबी क्लर्क को माना जाता है, बट जब बात आती है आरआरबी पीओ की तो इसका लेवल थोड़ा अप रहता है, थोड़ा कंपैरेटिव अगर हम कंपेयर करें इसको आईबीपीएस क्लर्क या फिर एसबीआई क्लर्क के साथ, अगर हम आईबीपीएस या फिर एसबीआई क्लर्क के साथ कंपेयर करें तो आरआरबी पीओ इससे एक स्टेप ऊपर 19-20 का फर्क में आएगा। अगर मैं बात करूं तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में क्या डिफरेंस है, हम कहेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, यहां पे एग्जामिनेशन पैटर्न वही है, इसके बारे में तो मैं बात करूंगा, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे ही आता है। मतलब इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजियर साइड में रहता है और इसका एज कंपेयर टू दिस आरआरबी क्लर्क डिफिकल्ट साइड में रहता है या फिर टफर साइड में रहता है। इसके क्या कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं, जब पेपर थोड़ा ऊपर लेवल का आता है तो बच्चों के अटेम्प्ट्स थोड़े कम होते हैं और अटेम्प्ट्स कम होने के चलते इस एग्जामिनेशन का कट ऑफ थोड़ा नॉर्मल रहता है।
ये पेपर सबसे इजीएस्ट होने के कारण बच्चे के अद्भुत अटेम्प्ट्स रहने लगते हैं, और ये अद्भुत अटेम्प्ट्स कट ऑफ को भी बहुत अद्भुत बना देता है। मतलब 80 से लगभग 79 कट ऑफ जा रहे हैं, 79.75। अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि 79.75 एग्जिस्ट नहीं करता, 78.75 होगा गलत आंकड़ा, तो भैया आप सर्च करके देख लो, ओडिशा का कट ऑफ साल 2020 में 79.75 था, और ये 0.25 का जो सीन है वो नॉर्मलाइजेशन का है, उसके बारे में भी मैं जिक्र कर लूंगा, तो बढ़ने रहो बस, ठीक है। तो इसका कट ऑफ बहुत ही एब्रप्टली, बहुत ही एबनॉर्मल ऊपर जाता है, तो यही है, आपको इसके बारे में डरना नहीं है। अगर आपने प्रिपेरेशन कॉन्सेप्चुअली ढंग से किया है और आप में स्पीड है, कॉन्सेप्ट है, तो आप इस एग्जामिनेशन और इस एग्जामिनेशन में कोई अंतर नहीं करेंगे, आप दोनों में अपना बेस्ट देंगे और दोनों में सिलेक्शन ले लेंगे, तो इसके लिए आपको चिंता करने कोई बात नहीं। सीधा बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा? बड़ा सिंपल सा पैटर्न रहेगा, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 40 मार्क के, क्वांट यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 40 मार्क के, टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क के। कोई समय सीमा एक एक सेक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा, पूरा 45 मिनट दिया जाएगा, आप अपने हिसाब से इस 45 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे यहीं पे गलत अजम्पशन ले लेते हैं कि अगर यहां पे ओवरऑल टाइमिंग है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। गलत, इस पेपर में आपका सेक्शनल कट ऑफ देखने के लिए मिलता है। मतलब जब पास होने की बारी आती है तो आपको दोनों में एक डिजायर्ड मार्क होता है, क्वांट में और रीजनिंग में, वो पहले स्कोर करना होता है, उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ होना होता है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ आपका होगा। 45 मिनट्स के टाइम डिवीजन को हम बाद में बात कर सकते हैं डिटेल में, लेकिन अभी के लिए अगर आप मॉक वगैरह दे रहे हैं तो एक आइडियल मैं आपको स्ट्रेटेजी कहूं, एवरेज स्ट्रेटेजी जो सबके लिए लागू होगा, बेस्ट, क्वांट में आप अपना 25 मिनट दो और रीजनिंग में आप अपना 20 मिनट दो। ये फंडा जो भी लगाएगा वो सक्सेसफुल होगा, चाहे उसका क्वांट मतलब बेस्ट हो, रीजनिंग वर्स्ट हो, या फिर रीजनिंग बेस्ट हो, क्वांट वर्स्ट हो, दोनों एवरेज हो, दोनों बेस्ट हो, हर एक बंदे के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, ये एक आइडियल स्ट्रेटेजी है इस पेपर को टैकल करने के लिए। बढ़ते हैं सीधा आगे, और हाँ, इस पेपर में इंग्लिश आपके लिए देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है ये इंग्लिश जो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं जिनका इंग्लिश वीक है उनके लिए तो भैया एडवांटेज ही एडवांटेज है, तो भैया आगे पेपर को टारगेट करना बंद करो। अगर आपका इंग्लिश वीक है, इस पेपर पे अपना पूरा जान डाल दो, यही अगर आप सिलेक्शन ले लोगे तो भैया लाइफ सेट बिना इंग्लिश के। और आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी आप इंग्लिश को स्किप करके अगर आप हिंदी है तो हिंदी ले सकते हो, मतलब पूरा पेपर क्लियर कर दोगे बिना इंग्लिश के अगर आप चाहो तो। तो ये चीज फोकस पे रखिएगा जरूर। अब मैं सीधा बढ़ता हूं कोई टाइम वेस्ट किए बगैर, सीधा प्रीवियस ईयर के सेक्शन के एनालिसिस, और वो भी रीजनिंग का। साल 2019-20 और 21 तीनों साल के मैंने आंकड़े यहां पे आपके सामने रखे हैं। स्लैश का लेफ्ट साइड का जो आंकड़ा है वो पीओ को रेफर करता है, स्लैश का राइट साइड वाला वो क्लर्क को रेफर करता है। 19 और 20 के डेटा मेमोरी बेस्ड है, जो कि हमने ऑनलाइन वेबसाइट से पीडीएफ पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करके वहां से डेटा निकाला है, लेकिन 2021 का एक्यूरेट है क्योंकि वो मैंने पेपर दिया हुआ है और मेरे सेल्फ गिवन एनालिसिस से ही मैं बता रहा हूं, तो ये पूरे एक्यूरेट आंकड़े हैं, इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए, मेरे ही आंकड़े हैं। सबसे पहले आपको पूरा नहीं जाना कि पीओ में क्या आ रहा है, क्लर्क में क्या आ रहा है, कितने आ रहे हैं, इस पे नहीं, ओवरऑल पेपर का आइडिया रखो। क्या आपको पीओ हो या क्लर्क हो, पीओ हो या क्लर्क हो, पीओ हो या क्लर्क हो, आपको हर बार लगभग इनइक्वालिटी देखने के लिए मिल रहे हैं? हाँ सर, तो हम ये एक्सपेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि इस साल भी इनइक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सर जो जीरो है मतलब वहां पे इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं है? मैंने कहा मेमोरी बेस्ड एक साल का एक ही बनता है, एक ही वेबसाइट के द्वारा, और वो बनता है एक आइडियल पेपर जो कि मैक्सिमम शिफ्ट को कंसिडर करके। अगर मैक्सिमम शिफ्ट में आपके इनइक्वालिटी देखने के लिए नहीं मिले होंगे तो उन्होंने उसमें से इनइक्वालिटी हटा के जो मैक्सिमम शिफ्ट में देखने के लिए मिला है उनको अपने पेपर में रखा होगा, तो हम ये एवरेज एक मान सकते हैं, ठीक है। बट हमारा कंक्लूजन ओवरऑल है, ओवरऑल मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रॉ करना चाहता हूं कि इनइक्वालिटी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ईयर्स आरआरबी पीओ एज वेल एज क्लर्क एग्जामिनेशन, वी कैन एक्सपेक्ट डायरेक्टली 5 क्वेश्चंस फ्रॉम इट, यही कंक्लूजन पे फोकस करो। कोडिंग डिकोडिंग 2019 में दोनों जगह पूछे गए थे, 20 में क्लरिकल में नहीं आया, 21 में हमने देखा नहीं, बट 22 में वी कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज कोडिंग डिकोडिंग इज अ प्रॉपर चाइनीज कोडिंग स्पेशली इज अ प्रॉपर प्री लेवल क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छे से ये पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो हम इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट सारे एक्सपेक्ट कर लोगे तो पेपर 50 मार्क का हो जाएगा, अगर ये आया तो ये नहीं आएगा, ये आया तो ये नहीं आएगा, ऐसे करके वो घूमेंगे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म आपको हर बार देखने के लिए मिलता है, और इसका पकड़ा थोड़ा भारी हो गया कि भैया ये कंफर्म मैसेज आ रहा है, मतलब ये टिक मार दो जो लगभग कंफर्म हमें कंक्लूजन से मिल रहा है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की अगर मैं बात करूं तो हर शिफ्ट में आपको मिल रहा है लगभग, अगर मैं बात करूं आपके यहां पे पीओ में मिला है, यहां पे क्लर्क में मिला है, यहां पे क्लरिकल में, तो लास्ट ईयर हदी हो गया 10 के आए थे क्लरिकल में, 10 के मतलब सर 5-5 के सेट आए थे, सर 2 सेट, मैंने कहा एक आया था अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज,
जहां पे एक सीक्वेंस दिया गया होगा, अल्फाबेट होगा, नंबर्स होंगे और सिंबल्स होंगे, और दूसरा एक सेट था सिर्फ नंबर सीरीज का, जो तीन तीन नंबर से एक सीरीज नहीं बनता, रीजनिंग पढ़े हो तो, नहीं तो कंप्लीट वीडियो चैनल पे देख लेना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बाय करियर डिफाइनर या फिर कौशिक मोहंती सर्च कर लेना, पूरा चैप्टर आ जाएगा सारे टाइप्स के। तो वहां पे तीन तीन नंबर में आपको अरेंज करना होता है कितने परफेक्ट स्क्वायर है, अगर मैं डिजिट्स को उन्हीं में असेंडिंग में सजा दूं तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन बन जाएगा, उसी से पांच पांच दस क्वेश्चन आए थे, तो मैं इससे भी पांच क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूं, लेकिन टिक नहीं मार रहा हूं क्योंकि कंफर्म मुझे ऐसा फिर भी अच्छा है, बट हर बार नहीं है तो थोड़ा इसको कंफर्मेशन से मैंने दूर किया। क्या आपको देख रहा है कि ब्लड रिलेशन हर बार आ रहा है, चाहे बात की जाए पीओ की क्लर्क की, दो तीन दो तीन दो तीन करके, हाँ, तो इससे दो तीन एवरेज तीन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, तो दो मार्क, दो पांच, दो ऐसे करके, यहां से भी हम दो मार्क का पेपर, ये तो टिक्की मार देता हूं, और ये वाला चीज आपके भी लगभग टिक्की मार देता हूं, ये भी आ रहे हैं आपके। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिसलेनियस से, इसमें कभी कोई शक की बात नहीं है, मिसलेनियस जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन हो या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग हो, एक मार्क का कोडिंग डिकोडिंग हो, ऐसे जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस के, वहां से आपको तीन से चार क्वेश्चन तो लगभग वहां से देखने के लिए मिलेंगे, ये भी आप टिक मार लो। तो अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो टिक टिक हुए हैं वो कितना हुआ है, एक टिक हुआ पांच दस, ये हो गया पांच पंद्रह, और ये हो गया आपके पास तीन, या फिर हम यहां से कह सकते हैं और दो कहीं से जोड़ लो, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, 20 मार्क के आपके स्पीड रीजनिंग से आ रहे हैं। स्पीड रीजनिंग मतलब जहां पे आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स, अल्फान्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मिसलेनियस। स्पीड में रुकावट कौन देता है? पजल्स एंड अरेंजमेंट्स। तो बाकी का 20 मार्क हम पेपर में वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो 20 मार्क है ऐसा मैंडेटोरी नहीं है, इधर उधर थोड़े इधर हो सकते हैं, अगर कभी कभार इनइक्वालिटी देखने के लिए नहीं मिला तो बाद में आके ब्लेम मत करना। तो ये हम बस आपके सेफ साइड के लिए कह रहे हैं कि इनको पढ़ लो, 20 मार्क के क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आएंगे, ये वाला भी इंक्लूड करके। पजल्स और अरेंजमेंट्स तो बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन अपने को फोकस कहां रखना है, क्या आप देख पा रहे हो कि हर बार आपको लगभग, चाहे बात कीजिए, मैं मर्ज कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है, आपको लगभग हर बार लीनियर आपको पेपर में देखने के लिए मिल रहा है, और ये अनसर्टन जो है ना वो भी एक लीनियर ही है। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में बैठे होंगे ना, अनसर्टन में भी एक रो होगा जहां पे कुछ नंबर ऑफ पर्सन एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, इतने उसके बीच में, इसने इतने बीच के। तो आपको लीनियर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि इस अरेंजमेंट्स को तो हमें फोकस पर रखना है। और अरेंजमेंट्स में क्या है, हमने देखा कि सर्कल लगभग आपको हर बार पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ सर्कुलर में इन आउट मतलब इनवर्ड आउटवर्ड जो कि सबसे टफेस्ट है वो भी पूछा जा रहा है। तो सर्कल अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट में जा रहा है। फिर और कैसा टाइप से अरेंजमेंट है, अगर हम देखेंगे तो पैरेलल रो बेस्ड अरेंजमेंट आपके पास यहां पे इंपॉर्टेंट है। पैरेलल रो बेस्ड में क्या होता है, आपके चार लोग ऊपर, चार लोग नीचे एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, या फिर पांच पांच ऊपर, पांच नीचे, पांच ऊपर, एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं कहूं कि और कोई आपके अरेंजमेंट है, तो हां भैया हमारे पास एक स्क्वायर अरेंजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, बट स्क्वायर अरेंजमेंट आपके पास आ रहा है। स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर में बैठे होंगे, यहां पे पॉइंट बस इतना ध्यान रखना होता है कि जो कॉर्नर्स में बैठे होंगे वो शायद अगर इनवर्ड फेस कर रहे होंगे तो मिडिल वाले आउटवर्ड, नहीं तो वाइस वर्सा। तो ये चार किस्म के अरेंजमेंट हमने ड्रॉ किया इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं पजल्स के पास, पजल्स कौन कौन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं देखूं लीनियर जा चुका है, लीनियर उस वहां पे खत्म हो चुका है, अगर हम पजल्स पे ध्यान दें तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे एक दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, कहां कॉमन 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 क्या है, मंथ बेस्ड पजल यहां पे दिख रहा है, मंथ बेस्ड पजल यहां दिख रहा है, फ्लोर बेस्ड पजल यहां दिख रहा है, फोर फ्लोर बेस्ड पजल यहां दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मंथ बेस्ड और फ्लोर बेस्ड पजल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंथ बेस्ड मतलब तीन महीने दिए गए होंगे, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, एक एक महीने में दो दो डेट्स में कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, टोटल छह होंगे, या फिर चार महीने देके दो 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 करके आठ लोगों को सजाना होता है। फ्लोर बेस्ड में आठ लोगों को फ्लोर में सजाना होता है, वीक में सात लोगों को एक वीक में पर्टिकुलर सजाना होता है। ये स्क्वायर भी है, स्क्वायर इंपॉर्टेंट है यार, स्क्वायर को टिक कैसे नहीं किया, स्क्वायर दो बार आया है ना, हाँ, स्क्वायर को भी मार दिया। तो आपके ये दोनों मंथ बेस्ड, फ्लोर बेस्ड और वीक बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरआरबी पीओ क्लर्क के चलते, मैं ये फील करवा पा रहा हूं आप लोगों को। सब कुछ लगभग खत्म होने के बाद मैंने देखा कि कुछ छूटा है, तो ये क्वांटिटी, क्वांटिटी वाला तो बड़ा कॉमन है। क्वांटिटी वाला मतलब कौन, ए इज हेवियर देन ओनली बी, B इज लाइटर देन A एंड C, ऐसे करके आपको एक सीक्वेंस बनाना होता है, कौन किससे हेवी है, कौन किससे लाइटर है, ऐसे करके। तो इसको मुझे कुछ नाम नहीं मिला तो क्वांटिटी मैंने दे दिया, तो क्वांटिटी भी आपका इंपॉर्टेंट निकल के आ गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर अप करने, यही इस सेशन का मोटो है कि टॉपिक्स पिक कर लो, इनको पहले कवर अप करो, उसके बाद एडिशनल सेकेंडरी चीजों को ढूंढो, दीज आर प्राइमरी विच शुड बी कंप्लीटेड फर्स्ट, क्लियर। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस पॉइंट से मैं खत्म कर रहा हूं। तो 20 मार्क के हमने यहां पे कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हमें पजल्स और अरेंजमेंट्स देखने के लिए मिल सकता है, और 20 मार्क आपको स्पीड मैथ्स, सॉरी स्पीड रीजनिंग देखने के लिए मिल सकता है, ये एक बैलेंस पेपर कहता है हमने। आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा कि यहां पे हमारे पास क्या है, क्वांट।
क्वांट का पेपर 19, 20 और 21 में बड़ा बैलेंस्ड रह रहा है। अगर आप पीओ की पेपर की बात करो तो पीओ पेपर में आप देखो स्पीड में आप अगर आ रहा है तो 18, अगर आ रहा है 18 15 भी आ सकता है, नहीं तो कभी कभार आपके सिम्प्लीफिकेशन जो मैंने लास्ट टाइम दिया था ना वहां पे मेरे शिप में सिम्प्लीफिकेशन नहीं था, अलग शिप में था बट मैंने अपने पेपर में नहीं था, तो ये बता देना सही समझा कि डोंट एक्सपेक्ट सिम्प्लीफिकेशन टू कम इन ईच एंड एवरी शिफ्ट। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि लगभग आपके पीओ पेपर में 12 से 18 तो मैं एवरेज 15 मार्क में पीओ पेपर में ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं कि 15 मार्क के क्वेश्चन आपको स्पीड मैथ से मिलेंगे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक। थोड़ा वही क्लरिकल में देख ले, 10 5 15 5 20 15 5 20 12 6 18 मतलब क्लरिकल पेपर में कहीं ना कहीं स्पीड मैथ से आपको 18 और 20 मतलब 19 एवरेज है बट स्टिल मैं 20 का आपको एवरेज लेके चल रहा हूं। तो आपको यह चीज मैं कहना चाहता हूं, हमारा कंक्लूजन फाइनली ड्रॉ क्या हुआ कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और नंबर सीरीज मिसिंग हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, वो चीज स्पीड मैथ सेक्शन में पीओ में हम 15 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्लर्क में हम 20 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन डन डन। डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको तो हर बार, चाहे पीओ की बात की जाए क्लर्क की बात की जाए, पीओ क्लर्क मैंने ये पेपर दिया था, मेरे में भी डीआई आपको बराबर से दो देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। पहले ये 5-5 के गुच्छे में आ रहे थे, कंफर्म पक्का परफेक्ट गिन लोगे टोटल 40 हो जाएगा, बट अब से मेरे जो लास्ट पेपर में ये 6-6 के आए थे ये, और ये कैसलेट आया था 4, और ये आया था टेबल 6 और बारग्राफ आया था 5। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी से डीआई जो दो सेट है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 मार्क, दो सेट मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि 12 मार्क्स यहां से आएंगे आपके दोनों पेपर में। एक हाथ कैसलेट अगर एंट्री मार लिया तो वो आपका कहीं ना कहीं एरिथमेटिक से या फिर स्पीड मैथ से थोड़े मार्क्स कम कर सकता है, बट आइडियल पेपर अगर हम माने तो हम पीओ और क्लर्क दोनों पेपर में डीआई 2 यानी कि 12 मार्क मान सकते हैं। क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि हमारे पीओ में ऑलरेडी 27 मार्क हो चुके हैं अगर आप एवरेज देखें, तो बाकी के 13 मार्क्स कहां से आने चाहिए? एवरेज आपके एरिथमेटिक से। क्या यही आ रहा है? देखा, पेपर इसी को कहा जाता है एनालिसिस, जैसे कि आपको एक आइडिया लग जाए। जो बच्चे बोले थे सर बिना एरिथमेटिक के पेपर क्लियर होगा, जवाब देना जरूरी है, नहीं 13 मार्क पीओ पेपर में आ रहे हैं, कहां छोड़ोगे भैया। सिमिलरली अगर मैं क्लरिकल की बात करूं तो क्लरिकल में 20 और ये 12 लगभग 32 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, बट यहां पे हमने बढ़ा के रखा ना 18 19 को हमने 20 किया हुआ है, तो अगर ये 32 है तो लगभग 10 क्वेश्चन हमें एवरेज अरिथमेटिक के देखने के लिए मिलेंगे, वो भी 10 क्वेश्चन हमें यहां पे मिल रहे हैं। तो पेपर बड़ा बैलेंस्ड क्वांट का है, इस साल भी आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पीओ में 15 मार्क के स्पीड मैथ्स, क्लर्क में 20 मार्क के स्पीड मैथ, पीओ में दो सेट का डीआई, क्लर्क में दो सेट का डीआई, 5-5 हो सकता है, 6-6 हो सकता है, 5-6 हो सकता है, कुछ भी, और बाकी के बचे कुछ है 10 से मिनिमम 12 एवरेज 13 तक भी जा सकता है ये आंकड़ा अरिथमेटिक के क्वेश्चन का। इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपने पिकअप लिया, 2019-20 का, 21 का पेपर मैंने एनालिसिस कर लिया। अब बात है सर पेपर, ये तो हमें पता चल गया कि ये इतना आ रहा है, कौन से लेवल का आ रहा है, कैसे जा रहे हैं, मैंने कहा तो खत्म। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार कंप्लीट कर लेना, जिससे कि आपको एक पेपर के बारे में सटीक आइडिया लग जाए लेवल ऑफ डिफिकल्टी। बार बार जो बोलेगा आपको समझ नहीं आएगा, आपको एक बार पेपर खुद करना है। पेपर खुद करने के लिए या तो अगर आप खुद थोड़े चीज पढ़े लिखे, मतलब पढ़े लिखे मतलब बाकी गवार नहीं, मतलब पढ़े हुए हो चीजों को कॉन्सेप्चुअली खुद कर सकते हो, तो आप टाइम अगर वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए मैं आपको सोर्सेस बता दे रहा हूं, ग्रेडअप से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अड्डा से डाउनलोड कर सकते हो। बस लिख लेना प्रीवियस ईयर आरआरबी पीओ पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर, ग्रेडअप, अड्डा सफिक्स दे देना, आपको मिल जाएंगे पेपर। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमारे पड़े हुए हैं सारे सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियोस मैंने करवा रखे हैं, वीडियो लेक्चर्स इनके प्रोवाइड कर रखे हैं, मतलब इन्हीं पीडीएफ का मैंने वीडियो लेक्चर्स करवा रखा है आपको। वीडियो लेक्चर्स कहां मिलेंगे? इसी करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। आप जब जाएंगे तो एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चंस, वहां थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। एसबीआई क्लर्क का 2020 का पेपर, आरआरबी पीओ का 2020 का पेपर, आरआरबी क्लर्क का 2020, सर ये तो 2020 है, हमें 21 जनवरी का, रुको जरा, एसबीआई क्लर्क 2021 का पेपर, आरआरबी पीओ का 2021 का पेपर, देख रहे हो ना, आरआरबी पीओ 2021 का पेपर, और आपका आईबीपीएस क्लर्क 2020 का पेपर, इसमें सब कुछ है। मैं लिंक भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि आपको स्मूथ हो सारे के सारे चीजें पहुंचने के लिए। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और इन जो वीडियोस मैं देता हूं ना, इसका लिंक वगैरह सब कुछ पीडीएफ का मैं टेलीग्राम पे डालता हूं, तो आप टेलीग्राम से थोड़ा फाइल सेक्शन में जाके पुराने सेक्शन में सारे के सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। वहां से पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए, जो सॉल्यूशन नहीं समझ में आया उसका डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए वीडियो से। खत्म कहानी प्रीवियस ईयर का। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर के थोड़े कट ऑफ के, इन्हीं पेपर में जो आपके कट ऑफ रह रहे हैं वो कितना है। सबसे पहले मैं साल 2021 के पीओ की पेपर की बात कर रहा हूं।
अगर मैं देखूं तो मैंने क्लियरली देखा कि लगभग ये जो आंकड़ा है हमारे 55 to 60 या फिर 50 से 60, तो एक एवरेज में इसको 55, ये गलत है, शोभा नहीं देता है, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि साल 2021 में जो आरआरबी पीओ का कट ऑफ गया था 59 है, 58 है, अपने अपने स्टेट आप देख लो ना। मैं अपने स्टेट की अगर ओडिशा की बात करूं तो अपना 58.50, तो इस बार थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, वो तो पेपर के ऊपर और कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक आंकड़े आप अपने स्टेट का देख लो कि 2021 का क्या आंकड़ा था, 2020 का ये क्या आंकड़ा था। अगर आप देखो तो 2020 में भी लगभग वही रेंज 48 है, 52 है, 60 है, 52 है, 47 है, तो ये एवरेज हम कह सकते हैं 55। तो कंक्लूजन ड्रॉ करो बस, ज्यादा सीरियसली मत लो। यहां पे भी हम ये चीज देख सकते हैं 58 है, 59 है, 60 है, वगैरह 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 55। तो इन 55 के डेटा से हमें ये पता चल गया कि हम अपने मॉक्स में कम से कम आरआरबी पीओ में 60 प्लस का टारगेट अभी से मान के चल सकते हैं। दिस इज द सोल पर्पज ऑफ शोइंग यू द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, राइट, कि पेपर के बारे में नहीं, अभी के तैयारी के बारे में सोचो। 60 प्लस आप पूरी कोशिश करो, शिद्दत करो, मेहनत करो कि आरआरबी पीओ के मॉक्स में आपको 60 प्लस मिल रहे हैं, तभी जाके ये आइडियल परफॉर्मेंस आपका माना जाएगा और आप ट्रैक में है पता चलेगा। सेम चीज आरआरबी क्लर्क को जो लोग ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, भैया आंकड़े देख के रूह कांप उठेंगे, लगभग हर बार 70 के ऊपर, तो मैं आपको देख रहा हूं कि 76 76 78 76 77 75, बहुत से आंकड़े यहां पे 75 77 71 के आसपास कमी है। तो भैया ये मैं 75 का एवरेज लेके चल रहा हूं, तो आपको अपना बेस्ट ही देना यार, पूरी कोशिश करने की सारे क्वेश्चंस करें और वो भी सटीक सटीक करें। तो कोशिश ये रखना कि आरआरबी क्लर्क का आप अगर मॉक्स दे रहे हो तो 75 प्लस आपके आए, अगर कम आ रहे हैं तो डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं। मॉक्स के लेवल अस कंपेयर टू रियल एग्जाम्स काफी टफ होते हैं ऊपर साइड, बट मैं आपको पुश करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी कंडीशंस। तो आप अपना बेस्ट दो, एक आंकड़ा अपने दिमाग में रखो कि रियल पेपर में 75 के आंकड़े चुने जरूरी बन चुके हैं आज के डेट में। अगर मैं उससे पहले साल की बात करूं, साल 2020 भी तो लगभग कुछ सीनारियो सेम ही था। अगर आप देखें तो ओडिशा का कट ऑफ 79.75 जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, तो यहां पे भी हम एवरेज 75 को मान के चल सकते हैं, क्योंकि 77 73 70 78 71 71 78 75 76 लगभग सारे जगह 75 75 ऊपर नीचे हो रहा है। तो क्लर्क का एक आंकड़ा हमारे पास मिला 75 का, उससे पहले भी आपके 70s के हाउस में क्रॉस किए हैं, लेकिन थोड़ा पगड़ा यहां पे भारी हुआ है कि ज्यादा अगर भी गए हैं तो 75 के ऊपर ज्यादा नहीं गए। तो इस साल का पूरा एवरेज यानी कि 19 का पूरा एवरेज हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितने का है, 70 का है। तो आपके 70 75 एक अच्छा जोन है, आप कोशिश करना, बस ये मोटिवेशन के लिए मैंने आपको दिखाया, हालांकि आप डिमोटिवेट हो गए होंगे देख के, बट स्टिल आपको ये आंकड़े रखने होंगे दिमाग में कि पीओ में 60 प्लस का और क्लर्क में 75 लगभग आप मॉक्स में कोशिश करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डेली बेसिस पे क्या पढ़ना है अभी से। सर डेली बेसिस पे क्या पढ़े, मैंने कहा बड़ा सिंपल सा फंडा यार, आपने देखा कि क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और सीरीज दोनों जगह 15-20 मार्क आने की संभावना नहीं आ रहे हैं, तो आप डेली बेसिस पे 20 सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वाड्रेटिक और 10 सीरीज लगाओ। साथ ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशन आपके 2 सेट मिल रहे, तो आप डेली बेसिस पे 4 सेट के डेटा इंटरप्रिटेशन लगाओ, एक सेट में आपके 5 क्वेश्चन वैसे भी आ जाएंगे, सेट ऑफ 5 क्वेश्चन इन ईच। और मिसलेनियस अरिथमेटिक मिक्स्ड, अगर आपके सिलेबस कंप्लीटेड है, मैं उन्हीं को सजेस्ट कर रहा हूं, सर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है थोड़ा वेट करोगे, जिनका सिलेबस कंप्लीटेड है मैं उनको कह रहा हूं कि आपका डेली फोकस ये होना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये डेली फोकस में आप जब देखोगे तो यहां पे आपको डेली 40 क्वेश्चन में करने के लिए कह रहा हूं, और यहां पे मैं यहां पे आपको 20 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के, और यहां पे मैं 40 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक के करने के लिए कह रहा हूं। अगर आप देखोगे तो ये 40 क्वेश्चन आप अगर ऐसे पीडीएफ बंडल्स डाउनलोड कर लोगे तो आपको वैसे मिल जाएंगे डेली बेसिस का, डेली का रूटीन 20 क्वेश्चन वहां पे सिंप्लीफिकेशन के होंगे, 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक, आप उनको प्रैक्टिस कर लो। अगर आप पीडीएफ बंडल वगैरह नहीं लेना चाहते तो 2 मॉक्स भी लगा सकते हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेड है तो 2 मॉक्स मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, आप एक ही मॉक लगा सकते हो, अल्टरनेटिव पे मॉक लगाओ, एक दिन आज एक मॉक लगाओ पीओ का, कल एक मॉक लगाओ क्लर्क का, जिससे कि पीओ मॉक में कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होंगे और क्लरिकल वाले मॉक में आपका स्पीड इंप्रूव होता रहेगा, और उस मॉक का प्रॉपर एनालिसिस देना है, वो कैसे देना है आपको मैं बता दूंगा। तो जितने लोग ये पीडीएफ बंडल आपके पास है, आप डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको और मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप इनडायरेक्टली 2-2 मॉक्स दे ही रहे हो वैसे भी, लेकिन अगर आप मॉक्स देना चाहते हो तो एक मॉक में भी ये सारे के सारे चीजें आपके हो जाएंगे। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है आप डेली बेसिस पे बस एक मॉक दो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट देना है तो उसका एनालिसिस भी करना है, प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना हमेशा याद रखना, मॉक के एनालिसिस का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, पहले वो क्वेश्चन को पिक करो जो आपसे गलत बने हैं, ऑब्वियस बात है,
नहीं तो सबसे पहले उनको पिक करो जो आपसे सही बने हैं। सही बनने से, उनसे पिक करने से क्या होगा बेनिफिट, अगर वहां से आपके कुछ नए अप्रोच सीखने के लिए मिले, टाइम सेविंग रेशियो वेशियो का टेक्निक कुछ है, कुछ फॉर्मूला है, तो आप अगले बार जब वो सवाल आएगा तो थोड़े कम टाइम वहां पे लेंगे, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ समय बचेगा। फिर आ जाइए जो गलत हुआ है, वो गलत क्यों हुआ है, गलत होने के पीछे का रीजन क्या है, क्या मैं हर बार कुछ ना कुछ सिल्ली मिस्टेक कर रहा हूं क्या। तो जब आपके सिल्ली मिस्टेक कैलकुलेशन में आपने पकड़ लिया तो अगली बार आप कैलकुलेशन थोड़ा धीरे करेंगे, गलती नहीं होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा, जो गलत होना चाहिए 0.25 वो अब एक मार्क में तब्दील होगा, 1.25 का इंक्रीमेंट, मार्क्स बढ़ने लगे। सिमिलरली अगर सिल्ली मिस्टेक सर नहीं हो रहा, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, मैं तो आज तक सोच रहा हूं कि डाउनस्ट्रीम मतलब स्टिल वाटर माइनस करंट, लेकिन उल्टा होता है, तो जो कॉन्सेप्चुअल एरर्स आप में डेवलप हुए हैं वो भी आप इस गलती से सीख सकते हैं। तो उन एरर्स को फिर से दोबारा उस चैप्टर को पढ़ के रिवाइज करके आप उन गलतियों को सुधार के अपने मार्क्स को एनहांस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपके अनटच्ड रहे, लीव लेफ्ट, जो आपने छोड़ दिए हैं, वो कौन से एरिया से हैं, जो मैं टॉपिक्स पढ़ा हूं उनसे छोड़ रहा हूं क्या, ऐसा क्यों ना बता रहा है, उन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से कवर अप किया जाए, उनको और मैं नहीं छोड़ूंगा, मार्क्स बढ़ेंगे। बार बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, यार प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन में तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, एक बार इसको पढ़ के खत्म ही करते हैं, अगले बार जो भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, तो इससे भी मार्क्स इंप्रूव होगा। तो मॉक्स डेली देने से आपको अपना लेवल पता चलेगा और उसके प्रॉपर एनालिसिस से ही डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं कि मॉक दे दिए और अगले दिन अगला मॉक दे दिए, कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ सीखे। आपका जो आज 30 हो रहा था वो कल वही 30 रहेगा, और मार्क्स आप हमें चिल्लाओगे सर मार्क्स में मार्क बढ़ते नहीं है, बढ़ेंगे नहीं जब तक आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करें। उम्मीद करता हूं जो लोग आपके सिलेबस कंप्लीट वाले हैं उनको तो टेंशन नहीं, वो अपना रीजन का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको डेली बेसिस पे इतना करना है, डेली इनइक्वालिटी 10 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक, मिसलेनियस अरेंजमेंट्स और पजल्स। ये आपको पीडीएफ बंडल किसी का भी अगर आपने परचेस कर रखा है ऑनलाइन, बहुत से आजकल आपको मिल रहे हैं, पीडीएफ बंडल से कर सकते हो, नहीं तो अगर आप पीडीएफ बंडल नहीं जाना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक मॉक में सब कुछ हो जाएगा आपका। और फंडा बड़ा सिंपल है, एक दिन आप पीओ का मॉक लगा और उसके अगले दिन आप क्लर्क का मॉक लगाओ। सर ये तो गए जो लोग हम पढ़े लिखे हैं, हम 50 दिन मॉक्स देते रहेंगे, हमारा इंप्रूव होता रहेगा, एनालिसिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आपके वीडियोस फॉलो करते रहेंगे, सब कुछ बढ़िया। सर हम कुछ नहीं जानते, हमें क्या करना है? बेटा तुम्हें अपने सिलेबस को दो हिस्सों में बांटना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले आपको प्राइमरी टॉपिक्स को कवर अप करना है। सर प्राइमरी टॉपिक्स को कैसे कवर अप करें? मैंने कहा सीधा जाना, सिंप्लीफिकेशन पकड़ना और सिंप्लीफिकेशन करना चालू करना, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक सीरीज और डेटा इंटरप्रिटेशन, इन चार एरियाज को पहले कंप्लीट करना क्वांट का। सिमिलरली रीजनिंग में सबसे पहले इनइक्वालिटी कंप्लीट करना, फिर सिलॉजिज्म, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर ब्लड रिलेशन, फिर डिस्टेंस डिरेक्शन टेस्ट। इनको कवर अप करने के बाद, मतलब पहला फंडा होना चाहिए क्वांट का एक टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, रीजनिंग का एक टॉपिक इनइक्वालिटी, क्वांट का एक टॉपिक क्वाड्रेटिक सिलॉजिज्म, नंबर सीरीज अल्फा न्यूमेरिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे करते करते प्राइमरी टॉपिक्स को पहले कवर अप करना है। उसके बाद जाना है आपको सेकेंडरी टॉपिक्स में, मतलब उसके बाद ही आप जाओगे पजल्स अरेंजमेंट्स, क्योंकि यहां पे आपने 20-20 मार्क लगभग पक्के कर दिए, अभी ये बाकी के 20 मार्क या फिर एरिथमेटिक में आपका, यहां पे तो भैया डेटा इंटरप्रिटेशन के इंक्लूड होने के साथ यहां पे 30 मार्क कवर कर लिया, यहां पे बचा है आपके पास सिर्फ 10 और यहां पे पजल्स और अरेंजमेंट्स के साथ आपके बचा है 20। पहले प्राइमरी टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि सिंप्लीफिकेशन कवर अप करने के लिए सपोज आपको 2 दिन लगेंगे, क्वाड्रेटिक 1-3 और ये नंबर सीरीज 1-4 और ये डेटा इंटरप्रिटेशन 2-6, इनइक्वालिटी 1-1-1-1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 15 दिन मैंने दिए आप लोगों को आज से इन टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए। सर दिए तो दिए, कैसे करें? मैंने कहा एक बार चैनल पे घुसो तो सही, कंप्लीट क्वांट फॉर आईबीपीएस और एसबीआई आरआरबी पीओ क्लर्क 2022 का जो प्लेलिस्ट है उठाओ उसको, सिंप्लीफिकेशन के 3.5 घंटे का वीडियो है वहां पे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने वहां पे पढ़ा रखे एक बार में। 2 दिन दिया समय आपको 3.5 घंटे का वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, हाँ या ना? उसी रेट में जब मैंने आपको गया तो नेक्स्ट आपको क्या कवर अप करना है? क्वाड्रेटिक। तो नेक्स्ट आपने क्वाड्रेटिक कवर किया, 50 मिनट का वीडियो एक दिन में कवर अप नहीं कर सकते और प्रैक्टिस नहीं कर सकते कहीं से। सिमिलरली उसके बाद मैंने एक दिन आपको दिया था नंबर सीरीज, 1 घंटे का वीडियो एक दिन में कवर अप नहीं कर सकते और क्या चाहिए तुम्हें? 4 घंटे का वीडियो डेटा इंटरप्रिटेशन का था इसलिए मैंने तुम्हें 2 दिन दिया इसको कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? इतना बस आप कर लो, 2-2-4-5-6-6 दिन में आपके क्वांट के 30 मार्क पक्के ना हो जाएंगे, मेरे साइड से गारंटी ले लो। सिमिलरली सर रीजनिंग का वो चीज जो इनइक्वालिटी वगैरह है, तो मैंने कहा सीधा रीजनिंग का कंप्लीट क्रैश कोर्स है, रीजनिंग के क्रैश कोर्स में घुसोगे तो सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी पढ़ना है ना, तो ये रहा इनइक्वालिटी सीक्वेंस, थोड़ा देख लेना इनइक्वालिटी 1-1.16 घंटे का वीडियो है तो 1 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा था सिलॉजिज्म जाने के लिए 55 मिनट का वीडियो है, 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेना।
साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर जाना चाहते हो नेक्स्ट, उसके बाद क्या, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मैंने उसके बाद कहा था, तो ये थर्ड टॉपिक है, ये इसके पास जाना। फिर जब आप आएगी तो पजल्स के पास जाना, फिर जब आएगी अरेंजमेंट्स के जाना, तो ये सारे के सारे चीजें आप इसको कवर अप कर सकते हो यहीं पे। मशीन इनपुट आउटपुट एक्स्ट्रा भी आपके लिए है जो कि पेपर में नहीं आ रहा है, तो सब कुछ यहां पे आपके लिए हाजिर है। Once आप प्राइमरी टॉपिक्स को कवर अप कर दिए, फिर आप एरिथमेटिक के टॉपिक्स को कैसे कवर अप करोगे? एरिथमेटिक का एक टॉपिक लेना परसेंटेज, ठीक है सर? एरिथमेटिक का एक टॉपिक परसेंटेज 4 घंटे का है, इसके पीछे 2 दिन देना। जो 4-4 घंटे का है वो 2 दिन, जो एक आध घंटे का और कुछ नहीं है। परसेंटेज आपको 2 दिन में वीडियो कंप्लीट करना है। रेशियो प्रोपोर्शन आपको 4 घंटे का वीडियो है 2 दिन में कंप्लीट करना है। एवरेज आपके पास 3.5 घंटे का है, 2 दिन में कंप्लीट करो, और इसको आप 2 दिन में कंप्लीट करो। प्रॉफिट लॉस थोड़ा और बड़ा चैप्टर है, 3 दिन में कंप्लीट करो। ऐसे करते करते टाइम एंड वर्क 5 घंटे का चैप्टर है, 3 दिन में कंप्लीट करो। ऐसे करते करते आप पाइप्स एंड सिस्टम्स को बड़ा चैप्टर है, 2 दिन में कंप्लीट करो। सिंपल इंटरेस्ट 2 दिन में कंप्लीट करो। ये धीरे धीरे 50 दिन है ना आपके पास, अभी तो सिर्फ आपके 12 ही दिन गए हैं। अब 2, 2, 4 जितना भी जोड़ो आपके पास दिन बचेंगे यार, अगर आप डेडिकेटेडली करो तो। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 घंटे का वीडियो है, अब से तो छोटे छोटे वीडियोस हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होंगे। ये सारे के सारे वीडियोस एक एक दिन में कंप्लीट करना चालू करो। वोट एंड स्ट्रीम, ट्रेंड्स, एजेस, पार्टनरशिप, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से सीख जाओ, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस करना चालू करो या फिर मॉक्स देना चालू करो, खत्म कहानी। सारे 1-1 घंटे के, मेंस्ट्रुएशन का बड़ा 3 घंटे का वीडियो है, 2 दिन ले लो, हिसाब कर लो, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 26, 26, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 30, 30 दिन मैंने यहां दिए, 12 दिन मैंने यहां, 30, और 12 दिन, और सपोज ये 6 दिन, तो 36 दिन अगर आप डेडिकेटेडली क्वांट इनसे फॉलो करोगे ना, तो आपका क्वांट कहां से कहां जाएगा आप मेरे ऊपर से गारंटी लो, ठीक है? सिमिलरली आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को डेडिकेटेड वे में फॉलो कीजिए, कमेंट्स पढ़ लीजिए, रिस्पॉन्स देख लीजिए। अगर आपको भरोसा नहीं है, मैं तो कहूंगा ही वैसे, मेरे वीडियोस देखो एक बार, कमेंट्स पढ़ लीजिए। देर आर दीज वीडियोज आर टचिंग मिलियंस नाउ, सिंप्लीफिकेशन गॉट मिलियन व्यूज, परसेंटेज गॉट मिलियन व्यूज, तो यू कैन ट्रस्ट दीज वीडियोज, राइट? तो आप बस इन्हीं चीजों को फोकस करते रहो। इसके एडिशनल क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप पीडीएफ बंडल ले लोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, कोई भी ले लो, नहीं तो आप अड्डा वड्डा कोई भी ऐप से, आप जो आपका डेली क्विजेस आता है ना, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट डेली क्विजेस में टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको बंडल पीडीएफ में मिल जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हो तो बुक्स भी फॉलो कर सकते हो, बुक्स जो आपके पास है आप उस बुक से भी क्वेश्चन लगाना चालू कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया क्या क्या चीजें आपको करना है। सारे के सारे चीजें अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो एग्जामिनेशन क्लियर डेफिनेटली होगा। इसके अलावा कोई अगर पॉइंट छूटा है जो मुझसे, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब तक मैं अलविदा ले रहा हूं, उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। जाते जाते एक बार सेशन को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो जरूर से कर लीजिएगा, और सारे के सारे कोर्सेज के बारे में जान लीजिएगा मेरे प्रोफाइल को विजिट करके, और क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना। प्लस क्लास चलता है 2:12 PM, जहां बेसिक से एडवांस हम अरिथमेटिक कर रहे हैं, और इवनिंग 7 PM पे हम कर रहे हैं हाई लेवल मेंस लेवल का अरिथमेटिक टॉपिक वाइज। तो कोर्स लेते वक्त अगर आपको कोई कोड लगाना हो, रेफरल कोड, तो आप ये कोड लगा सकते हो CD LIVE, जिससे आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स को भी रिडीम कर रहे हैं, ताकि आपको ओवरऑल पॉसिबल जो डिस्काउंट है वो मिलना चाहिए वो आपको मिल जाए। तो यही कहकर मैं कौशिक मोहंती आप सभी से अलविदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने प्रिपेरेशन जबरदस्त तरीके से करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट, और दैट्स इट फॉर टुडे। कमेंट करना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।